नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु अंगोडे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज एसी, एसी का मीनिंग क्या होता है, एसी एसी का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में बताया गया था। आज मैं आपको एसी के टाइप्स क्या है, एसी का ग्रेडेशन क्या है, एसी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली एसी ब्लॉक मार्केट में बहुत सारा भी यूज हो रहा है, लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता होता है कि वो ग्रेड वन का माल यूज कर रहे हैं या ग्रेड टू का माल यूज कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं हो रहा है कि ग्रेड वन के लिए क्या डेंसिटी होना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, ग्रेड टू के लिए क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या डेंसिटी होनी चाहिए, इसके बारे में उनको ज्यादा पता नहीं होता। तो मैं एक टेबल द्वारा आपके पास वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ग्रेड वन किसे बोलते हैं और ग्रेड टू किसे बोलते हैं। ये टेबल मैंने आईएस कोड 2185 से लिया हुआ है और उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैंने 3-4 साल मार्केट में सर्वे किया, बहुत सारा कंफ्यूजन है ग्रेडेशन के बारे में कस्टमर का। ये मैंने जहां भी मैंने कस्टमर कंप्लेंट अटेंड किया उनको समझाया है, उनको प्रैक्टिकली समझाया है, टेस्ट कैसे करते हैं और उसका डेंसिटी चेक कैसे करते हैं, सब समझाया है। अभी मैं टेबल द्वारा सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आप ग्रेड वन का माल लेना है तो किस स्ट्रेंथ का लेना चाहिए और किस डेंसिटी का लेना चाहिए, ग्रेड टू का माल लेना है तो किस स्ट्रेंथ का लेना चाहिए और किस डेंसिटी का लेना है। अभी मैं ये टेबल आपको बताने जा रहा हूं, वो टेबल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपका कंफ्यूजन में दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं एसी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये टेबल द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये टेबल जो है आईएस 2185 पार्ट 3 से लिया गया है, उसमें ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें ड्राई डेंसिटी का रेंज दिया हुआ है। फर्स्ट सीरीज का रेंज है 451 to 550, सेकेंड सीरीज का नंबर है 551 to 650, थर्ड सीरीज का नंबर है 651 to 750, फोर्थ सीरीज का नंबर है 751 to 850 और फिफ्थ सीरीज का नंबर है 851 to 1000। अभी इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दो टाइप का दिया हुआ है, ग्रेड वन के लिए क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए और ग्रेड टू के लिए क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर मेरा डेंसिटी 451 to 550 है तो मेरा ग्रेड वन के लिए स्ट्रेंथ मिनिमम 2 होना चाहिए और ग्रेड टू के लिए मिनिमम 1.5 होना चाहिए। अगर मेरा ब्लॉक का स्ट्रेंथ 1.9 भी आता है तो ग्रेड टू में चला जाएगा, 2.1, 2.2 आएगा तो वो ग्रेड वन में चला जाएगा, ये डेंसिटी के लिए। और सपोज मेरा डेंसिटी 551 to 650 है, मेरा स्ट्रेंथ 3.99 भी है तो वो ग्रेड टू में चला जाएगा और ग्रेड वन के लिए मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए 4.1, मतलब 4 के अबव जो स्ट्रेंथ रहेगा तो वो ग्रेड वन में आएगा और 4 के बिलो 3.99 भी रहेगा और 3 के ऊपर रहेगा तो वो स्ट्रेंथ ग्रेड टू में चला जाएगा। सेम अभी मार्केट में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मैंने ये रेक्टेंगल किया हुआ है, इसको यही मटेरियल सेल होता है, सभी प्लांटों का यही मटेरियल सेल होने हो रहा है आजकल। 450 और 550 का मटेरियल अभी शुरू में ये मटेरियल चल रहा था, लेकिन अभी उसका लोगों को स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है, कस्टमर की स्ट्रेंथ मिनिमम 3 तो भी होने चाहिए, इसके लिए सभी लोग सीरीज 2 551 650 का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो सीरीज 3 सीरीज 4 सीरीज 5 ये रेयरली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये प्रोडक्शन बहुत ही रेयर होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ग्रेड टू का ये सीरीज में ग्रेड टू का माल कैसे हम दोस्तों मैंने अभी सीरीज 3, 4, 5 को डिलीट कर दिया है क्योंकि जनरली उसका प्रोडक्शन होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है 550 और 650 डेंसिटी, स्ट्रेंथ मिनिमम 4 या स्ट्रेंथ मिनिमम 3 ये प्रोडक्शन होता है। सपोज मेरा डेंसिटी आया है 549 और मेरा स्ट्रेंथ 4 है तो मैं ये मटेरियल को क्या बोलूंगा, क्योंकि ये मटेरियल कभी भी ग्रेड वन नहीं हो सकता। क्यों बोले तो इसका डेंसिटी 551 से कम है, ये सीरीज 1 में चला जाएगा, 449 ये सीरीज में चला जाएगा और ये सीरीज का ग्रेड वन हो जाएगा। सपोज मेरा डेंसिटी 449 फिक्स है, 48 फिक्स है और मेरा स्ट्रेंथ 3 है तो ये जो है ये फर्स्ट सीरीज में चला जाएगा और इसका स्ट्रेंथ ग्रेड वन में चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप चेक करते हो, अगर मेरा डेंसिटी
570 है और मेरा स्ट्रेंथ 2.9 है, तो इस पे ये सीरीज वन में भी नहीं जा रहा है, सीरीज टू में भी नहीं बैठ रहा है, तो ये प्रोसेस एरर होता है, प्रोडक्शन एरर होता है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, ग्रेड वन कैसे सिलेक्ट करना है, ग्रेड टू कैसे सिलेक्ट करना है। आपको ग्रेड वन माल लेना है तो आप जरूर चेक कर लीजिए कि उसका डेंसिटी 551 से आगे और 650 के बिलो होना चाहिए और उसका स्ट्रेंथ 100% 4 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप ग्रेड टू माल सिलेक्ट कर रहे हो, ग्रेड टू ब्लॉक का अगर आप परचेस करना चाह रहे हो, तो उसका डेंसिटी 551 टू 650 होना चाहिए और उसका ग्रेड टू के लिए स्ट्रेंथ मिनिमम 3 होना चाहिए, अप टू 4 तक, 3.5 3.9 तक उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि यह थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हम ग्रेड वन सीरीज टू का माल परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी 0.24 होनी चाहिए। और उसका ड्राइंग सिंकेज ग्रेड वन के लिए मैक्सिमम 0.05% होना चाहिए और ग्रेड टू का माल हम परचेस कर रहे हैं तो उसका ड्राइंग सिंकेज मैक्सिमम 0.1% होना चाहिए। अभी हमने ये समझ लिया कि ग्रेड वन कैसे चूज करना है, ग्रेड टू कैसे चूज करना है। अगर समझो हमने सेकंड सीरीज का माल लिया है 551 टू 650, आप बिल्डिंग का लोड कैसे डिजाइन करोगे? अगर आप ये जो है ये ड्राई डेंसिटी, मतलब ब्लॉक ड्राई होने के बाद इसका डेंसिटी इसके बीच में आने चाहिए, ड्राई होना चाहिए मतलब उसका आफ्टर ओन ड्राई, ओन में ड्राई करने के बाद उसका वेट, कॉन्स्टेंट वेट शुड बी मोर देन 551 और लेस देन 650 होना चाहिए। वही सीरीज टू में आएगा और सीरीज टू के लिए अगर आप बिल्डिंग का लोड डिजाइन करने जा रहे हो तो वो उसको 100% 550 मत पकड़ो, उसको 600 लोड पकड़ के फिर डिजाइन करो बिल्डिंग का डिजाइन। क्योंकि कौन सा भी ब्लॉक आफ्टर लेइंग या दो साल तीन साल चार साल पांच साल बाद भी आप लोगे तो उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी रहेगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, तो उसके हिसाब से उसका मिडल 600 पे आप लोड पकड़ के अपना बिल्डिंग का डिजाइन करो। यही मेरा आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अभी हमने ये समझ लिया कि एसी ब्लॉक का ग्रेडेशन कैसा होता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करने जा रहा हूं, उसका नाम है एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से आईएस कोड यूज करते हैं, उसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज वीडियो की सीरीज सिर्फ एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए है और जो भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स है, सिविल इंजीनियर्स है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐसी इंफॉर्मेशन इस वीडियो द्वारा आपको मिलेगी। धन्यवाद।